मौसम बदलते ही गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी है। मौसम गर्मा के हल्के फुल्के मलबूस साथ की जगह अब गर्म कपड़ों ने ले ली है। नौलखा चौक और लंडा बाजार में लोगों की बड़ी तादाद ने बच्चों के लिए स्वेटर, गर्म पजामे, दस्ताने और टोपियां खरीदने मसरूफ नजर आई है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस वो मार्केटों में जाकर गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। बड़ी मार्केटों में जितने पैसों का एक स्वेटर आता है, इतनी रकम में लंडा बाजार से कई कपड़े खरीदे जा सकते हैं। बड़ा सस्ता माल मिलता है, यही बाजारों हजार रुपए की चीज लानी है, 100 रुपए की 90 रुपए की लग जानी। थानू साढ़े को शैल लेके कह रहे थे नवा शैल है, पास की है, ठीक है, ज्यादा इतो लंडे चो कोई शैल याद अपना सिलसिला सीधा कर सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि लंडा बाजारों में कपड़े सस्ते मिल जाते हैं, जिसके बायस मतवस्त और गरीब तबका यहां खरीदारी को तरजीह देता है। गर्म कपड़ों के बंडल पर बिरूने मुल्क से कराची आने तक जितना खर्चा आता है, इतनी ही रकम कराची से लाहौर में लग जाती है। हुकूमत इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर टैक्स खत्म कर दे तो इनकी कीमतें मजीद कम हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है मिले तो माल तो डिप्टी मसूल किराया कटने चाहिए, जो किराया लंदन कराची तक है वही किराया कराची तो लाहौर तक है। देखो दारा इस पे टैक्स खत्म किया जाए ताकि गरीबों को कारोबार में अपना फायदा हो। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार ही इनकी सुपरमार्केट है। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर टैक्स खत्म करे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42।